नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। क्वाड नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा आपसी विश्वास और हमारा संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य। ज्ञानव्यापी मामले में आज नहीं आएगा फैसला। 7 याचिकाओं में पहले कौन सी सुनी जाए, इसका होगा निर्णय। दिल्ली के उपराज्यपाल बने विनय सक्सेना। राष्ट्रपति ने विनय सक्सेना को LG नियुक्त किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। अनिल बैजल ने निजी कारणों से दिया था इस्तीफा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे बीजेपी नेता। कार्यकर्ता 1 जून से 14 जून तक बीजेपी चलाएगी अभियान। मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएगी। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन। कल विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। 24 मई को अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे। गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हरे निशान पर शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 73 अंक तक चढ़कर 54,362 के स्तर पर खुला। बाराबंकी में सिर पर हमला कर पुजारी की हत्या। ब्रह्मदेव स्थल पर लगा घंटा गायब। दिल्ली NCR में देर रात तेज बारिश, आज भी आफत लाएगी आंधी। यूपी में 18 लोगों की मौत। उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी विधानसभा में राज्यपाल की अभिभाषण में लाइट कटी। ऊर्जा मंत्री ने इंजीनियर समेत 3 अफसरों को सस्पेंड किया। अब स्टेशन ऑपरेटर बर्खास्त। खड़े ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो, 5 की मौत और 6 घायल। केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। सीएम योगी ने जताया शोक। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।